जमीन फ्राई हो गए अच्छा सिर्फ फोन मारते ना वो मुलाजिम आदमी को क्या करी उठा क्या कोई बोल दे बेटा दो दिसंबर 1978 में एक एजिटेशन जो बड़ी चली थी, जिस एजिटेशन में हर हिंदू मुस्लिम सिख हर के सहयोग से और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये एजिटेशन चली थी, जिसका वो एजिटेशन की वजह से जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जो रिक्रूटमेंट जो हो रही थी वो पिक एंड चूज हो रही थी, जिसका मेरिट ज़्यादा था उसको इग्नोर किया जाता था और जिसका मेरिट कम था उसको सिलेक्ट किया जाता था, उस मेरिट की लिस्ट के अगेंस्ट एक संघर्ष हुआ था, एक एजिटेशन चली थी। ये हम भी छोटे छोटे थे, हम सुनते थे, हमें घर से या कोई उसको ये मिले। लीडर वो होता है कि जिसके साथ लोग चलें, जिसकी लोग माने। तो वो एजिटेशन जब उन्होंने देखी कि यहाँ पढ़े लिखे लड़के जिनको नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद इसमें रिश्वत लेके कम पढ़ाई वाले लड़के कम कुछ लीडरशिप के साथ चला। और आज मैं ये कहूँ आपके चैनल से, हजारों घरों के जो चूल्हे जले हैं वो सिर्फ तो सिर्फ जो है हरियाम सिंह जी की शहादत की वजह से जले हैं। अब मैं ये कहूँगा कि आप देखें आज यहाँ पे होनेबल हमारे मेम्बर जस्टिस काउंसिल एक्स और जो यहाँ पे आए हुए हैं वहाँ यहाँ पहुँचे हैं, चेयरमैन जो है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के वो पे हैं, हमारे जो यहाँ पे अपना अपना जुबान साहब पहुँचे हैं, हमारे शर्मा साहब पहुँचे हैं। आज यहाँ हमें सबकी याद आती है और यहाँ शर्मा साहब की हमें याद आती है, उनकी क्यादत में बहुत बड़ी यहाँ पे एजिटेशन हुई थी और वो एजिटेशन कामयाब हुई थी। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा उन्हें। ये हकीकत है कि कभी हमसे जुदा होते नहीं, मरने वालों की जिभी रोशन है इस जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरा में। आज ये मेरे अजीज बच्चे कहा कि इस तरह से 2 दिसंबर मनाई जा रही है हरियाम सिंह की याद में और कुछ नांडी बैंड की जा रही है, तो मैं इसको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं 2 दिसंबर 1978 को जो श्रद्धांजलि जिस तरीके से हम बैंड करना चाहते थे या चाहेंगे उस तरीके से तो ये हुई नहीं। हमने एक फैसला लिया था यशपाल शर्मा जी ने और हमने बैठ के, मेरे जहांगीर साहब भी साथ थे, कि जब भी ये साल आया करेगा तो ये पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ होगी वो किया करेगी, उसके बाद जो कॉलेज के लड़के या दूसरे बच्चे किया करेंगे, ताकि एक मैसेज जाए लोगों को कि कैसे यहाँ ये कैसे शहीद हुए थे लोग और कैसे उन्होंने जुल्म के खिलाफ 1978 को जो शहीद आजम ब्रह्म सिंह जी की जो कुर्बानी थी। ब्रह्म सिंह जी सुनते हैं हम के हॉकी के बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, वो ग्राउंड से हॉकी खेल के आए थे, जहांगीर साहब के घर पे बैठे हुए थे, उस वक्त वहाँ से जब निकले तो यहाँ पे आए, यहाँ के सीआरपी के गोली के शिकार हुए। वो मैं समझता हूँ कि गगनदीप सिंह मुबारक के पात्र हैं, जिस तरह के चेयरमैन साहब ने कहा, जहांगीर साहब ने कहा, बलवीर जी ने कहा कि यहाँ पे एक स्टैचू लाया जाए, क्योंकि ब्रह्म सिंह का स्टैचू लगेगा, कोई भी जैसे आप गवर्नर साहब आए, कोई भी यहाँ पे आएगा, चाहे वो हमारे शहीद के घर के यहाँ पे आते तो ब्रह्म में आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राज कौंसलर जी, हमारे चेयरमैन श्री शर्मा जी, बाबा बलवीर जी, अब जुमान साहब भी आए। आज 1978 की जो हिस्ट्री है वो मैंने यशपाल शर्मा जी साहब ने जो बाहर मंदिर बनाया वहाँ बैठे थे शाम के टाइम, तो मैंने उनको बोला कि सुनाओ क्या हिस्ट्री है, तो मेरा जन्म 1982 का है। तो कहने लगे मैं प्रैक्टिस कर रहा था लालन बेबी के फादर वकील रंजन सिंह के पास,
तो वहाँ लड़के रोते रोते मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है। तो मैंने कहा मरने के लिए तैयार हो, जैसे उस मंदिर में उन्होंने वर्ड मुझे याद है आज भी, मैंने लड़कों को बोला कि मरने के लिए तैयार हो, उन्होंने कहा हाँ, हमने उस वक्त शहर की जो क्रीम है जो आपने आज सिख नौजवान सभा की तरफ से पहुँच के जो राम सिंह 2 दिसंबर 1978 को बहुत बड़ी एजिटेशन चली थी, जिस एजिटेशन को जिले पूंछ यशपाल शर्मा जी ने लीड किया था, जवान साहब ने, बांडे साहब ने, मीर साहब ने, तो उस समय जो इंजस्टिस थी सरकार थी उस समय की शेख साहब की, तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उस समय उन्होंने 2 दिसंबर को यहाँ शादी दी, उसी का दिन आज हमने शाम को एक प्रोग्राम रखा है और यहाँ पर फैसला हुआ कि अगले साल इसको बढ़ चढ़ के बनाया जाएगा, यहाँ पर उनका स्टैचू भी लगाया जाएगा। मैं मीडिया का और यहाँ का जो हमारे जो मेहमान आए हैं XMLC जंगीर मीर साहब, ताहिर मीर साहब, बाबा बुलवीर जी, रामदास सोसाइटी के हमारे कमल जी सिंह, पिंटू जी, डॉक्टर सुविंदर सिंह, दरबार सिंह जी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।